रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द अपनी आर्मी को एक ऐसी मिसाइल सौंपने वाले हैं जो सिर्फ 8 मिनट में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएगी। अब पुतिन न सिर्फ अमेरिका की बादशाहत खत्म करने का ख्वाब देख रहे हैं बल्कि अपना सुपर वेपन भी लॉन्च करने वाले हैं। एक साथ 30 युद्धपोत नेटो के 30 देशों को धमकाने के लिए कभी भी किसी भी वक्त लॉन्च किए जा सकते हैं। पुतिन ने किया बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन। रूस के नेवी डे के मौके पर पुतिन के समुद्री योद्धाओं ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। इस मौके पर पुतिन ने ऐसी घोषणा कर दी है जिसने अमेरिका समेत दुनिया के 30 नेटो देशों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। 30 देशों की तबाही के लिए 30 युद्धपोत तैयार किए जा रहे हैं। नेवी डे पर पुतिन ने रूस की नेवी के वॉर डॉक्ट्राइन यानी युद्ध सिद्धांत को और कठोरता से लागू कर दिया है। हालांकि इसी खास दिन एक साल पहले पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल जिरिकॉन मिसाइल का नाम भी लिया है। पुतिन के इस प्लान की भी बात करेंगे लेकिन पहले हम बात करेंगे रूस के नेवी डे पर पुतिन के नए युद्ध सिद्धांत की, जिनमें 30 युद्ध पोतों को नेटो के 30 देशों को डराने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। दरअसल नेटो को हमेशा अपने देशों की संख्या पर गर्व होता है, नेटो को काफी शक्तिशाली माना जाता है। तो पुतिन ने अब 30 युद्ध पोतों की बात करके ये संदेश दिया है कि नेटो के 30 देशों के लिए रूस अकेला ही काफी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेवी डे परेड की सलामी ली लेकिन इस दौरान यूक्रेन और अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि पुतिन ने परमाणु पनडुब्बियों और युद्ध पोतों का जायजा लिया। पुतिन के होमटाउन सेंट पीटर्सबर्ग में रूस की नेवी की ताकतवर पनडुब्बियां और युद्धपोत इकट्ठा हुए और इस दौरान 45 जंगी जहाजों और पनडुब्बियों ने नेवा नदी में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। परेड में रूस की नौसेना के 3000 सैनिक शामिल थे और खुद पुतिन ने इस मौके पर रूस की नौसेना के लिए 30 जंगी जहाजों की घोषणा की। पुतिन ने कहा कि रूस 30 जंगी जहाज लॉन्च करेगा और इसकी वजह से रूस की नौसेना की ताकत में बहुत जबरदस्त इजाफा होगा जिससे देश की सुरक्षा बहुत ज्यादा मजबूत होगी। इस दौरान रूस के डिफेंस मिनिस्टर सरगई शोइगू और नेवी के कमांडर एडमिरल निकोलाई येवमिनोव भी मौजूद रहे। एक बात बिल्कुल साफ नजर आई, पिछली बार जब नेवी डे पर पुतिन का भाषण हुआ था तो उस वक्त पुतिन ने कहा था कि जिरिकॉन मिसाइल से रूस के दुश्मनों को धूल चढ़ा देंगे, लेकिन इस बार पुतिन काफी शांत नजर आ रहे हैं। ऐसा लगा जैसा पुतिन आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और वो यूक्रेन को नजरअंदाज कर रहे हैं। पुतिन ने सिर्फ यही कहा कि आज रूस आत्मविश्वास के साथ बड़े स्तर पर अपनी नौसेना की पॉलिसी को लागू कर रहा है, साथ ही अपनी ताकत को और बढ़ा रहा है। रूस की नेवी डे परेड में अफ्रीका के 4 देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ये सारे अफ्रीकी नेता पुतिन के साथ नजर आ रहे थे। सबसे खतरनाक बात यह कि नेवी डे परेड में नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट खासतौर पर शामिल हुई। दरअसल 23 जुलाई को रूस ब्लैक सी ग्रेन डील से बाहर हो गया है। इससे ब्लैक सी एक बार फिर रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष का केंद्र बिंदु बन चुका है। रूस के इस डील से बाहर निकलने की वजह से अफ्रीका के देशों में अनाज का संकट मंडरा रहा है। इसके तहत पुतिन ने अफ्रीकी देशों के नेताओं से मुलाकात की। पुतिन ने अफ्रीकी देशों के नेताओं को भरोसा दिलाया है कि वो 3 से 4 महीनों में करीब 50,000 टन गेहूं 6 अफ्रीकी देशों को देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन को सलामी देने के लिए ये परेड हुई रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, जो फिनलैंड के पास मौजूद है और यूरोप के पश्चिमी बॉर्डर पर मौजूद ऐतिहासिक शहर है। इस मौके पर रूस की नौसेना के सभी बड़े ऑफिसर मौजूद थे। रूस ने अपने नए नेवी डॉक्ट्राइन से अमेरिका को रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा माना है और भारत के साथ सहयोग की बात कही है।
अब देखिए पुतिन का स्वागत किस तरह हुआ और पुतिन की गन स्लिंगर चाल पर भी जरूर गौर कीजिएगा। पुतिन का चलने का वो खास स्टाइल जिसमें दायां हाथ एकदम स्थिर रहता है। जब पुतिन रूस के नेवी डे के मौके पर अपना बयान देने आए तो उनके दिमाग में दो बातें बहुत अहम थी, महासागर पर रूस का वर्चस्व स्थापित करना और दूसरा अमेरिका जैसे दुश्मनों को जवाब देने के लिए जबरदस्त तैयारी। लेकिन बड़ा सवाल ये जरूर है कि आखिर क्यों पिछले एक साल से लगातार अमेरिका और यूरोप के अखबार रूस की नौसेना की सबसे बड़ी ताकत ज़िरकॉन मिसाइल के नाम से दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। रूस की ये नई हाइपरसोनिक मिसाइल आखिर क्यों खतरनाक है? कैसे पुतिन पहले भी ज़िरकॉन का नाम लेकर अमेरिका को चुनौती देते रहे हैं? जरा ये बयान सुनिए। Упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков». Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России. नौसेना के प्रदर्शन में रूस के शक्तिशाली युद्धपोतों और सबमरीन्स की झड़ी लग गई, जिन पर खड़े होकर रूस के नौसेना के जवानों ने पुतिन को सलामी दी। लेकिन ज़िरकॉन मिसाइल का जिक्र ही रूस के दुश्मनों में खौफ भर देता है। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 9 मीटर लंबी है और इसका व्यास यानी गोलाई 60 सेंटीमीटर है। ये मिसाइल 300 से 400 किलोग्राम के वजन का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये 300 किलोग्राम से कम का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल परमाणु हमले में भी किया जा सकता है। 1500 किलोमीटर की सीमा तक समुद्र में दुश्मन का कोई भी जहाज या टारगेट ज़िरकॉन के हमले से बच नहीं सकता है। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपने टारगेट पर हमला करने के लिए आसमान से 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई हासिल करने की क्षमता रखती है और इसकी स्पीड 6100 किलोमीटर से 11000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यानी एक मिनट में यह मिसाइल 183 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी की हवाई दूरी 1320 किलोमीटर है। यानी ये मिसाइल सेंट पीटर्सबर्ग से वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के लिए सिर्फ 8 मिनट का समय लेगी। और यही वजह है कि अमेरिका भी रूस की ज़िरकॉन मिसाइल से भय खाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में रूस ही वर्ल्ड लीडर है। कुल मिलाकर नोट करने वाली बात यह है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी में पुतिन का लोहा अमेरिका भी मानता है और यही वजह है कि रूस को दुनिया में किसी का डर नहीं है। обозначили границы и зоны национальных интересов России. И экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийские и Курильские проливы. И защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами. Ключевое здесь – это возможности военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу. पुतिन के इन बयानों से रूस के लोगों का मनोबल भी काफी ऊंचा उठ गया है। аппарат военно-морского флота очень понравился, показали настоящую мощь русского флота, понравились корабли. В следующий раз хотелось бы еще посетить Кронштадт. जब पुतिन 30 नए युद्धपोत नेटो के 30 देशों को टारगेट करके उतारने जा रहे हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि रूस की आर्मी ने स्वीडन की एक बख्तरबंद गाड़ी CV-90 को बहुत आसानी से जब्त कर लिया है और उसकी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च भी शुरू कर दी है। इन तस्वीरों ने नेटो के देशों को और ज्यादा डरा दिया है।